जिला गुरदासपुर के कस्बा अलीवाल के नजदीक पड़ते एक गांव की युवती जिसने 26 साल वर्षीय भाई को नशा छुड़ाने के लिए दृढ़ संकल्प लिया था। नशे की दलदल से निकलने के लिए बार बार पुलिस का दरवाजा खटखटाती रही, पर पुलिस नहीं जागी। इसके बाद युवती ने मीडिया को बुलाया, लेकिन मीडिया कर्मी पहुंचे तो पुलिस ने उसके भाई को हिरासत में लेकर उसको नशा छुड़ाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवा दिया। कस्बा अलीवाल के एक गांव की मनप्रीत कौर ने बताया कि वह दो भाई बहन हैं। उसके माता पिता की कई साल पहले मौत हो चुकी है। इसके बाद उसने अपने भाई का साथ देकर मेहनत से घर का कीमती सामान बनाया। इसके बाद उसका भाई कुछ नशा तस्करियों के साथ मिलकर नशा बेचने और करने का आदि बन गया। मनप्रीत कौर ने बताया कि थोड़े समय के बाद उसकी और उसके भाई की शादी भी हो गई, लेकिन उसके भाई के नशा बेचने और करने के कारण उसकी पत्नी शादी के 2 साल बाद मायके चली गई। उसके बाद वह अकेला ही घर पर रहने लगा। नशे की पूर्ति के लिए उसने घर का सामान, बेड, अलमारियां समेत कोठी में लगी कीमती टूटियां भी बेच दी। उन्होंने बताया कि इसके हिस्से 3 कनाल जमीन आई थी, जिसमें से इसने कुछ तो बेच डाली। अब इसके पास कुछ जमीन ही बची है। उधर पत्रकारों के आने पर भाई बहन मनप्रीत कौर से कहता है कि वह ऐसा ना करे, वह नशा करना नहीं छोड़ सकता। और वहीं उन्होंने नौजवान को बहन के कहने पर काबू कर लिया और वहीं उसे इलाज के लिए नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवा दिया गया। चलो मैं कुछ भी करदा वा, भावें मैं नशा करना, भावें मैं जो मर्जी करदा, मैं किसी की चोरी चकारी तो नहीं की, मैं अपना समान बेचा, मैं अपना समान बेचा जो मैं खरीदया अपने हाथी, मैं अपना बेच लिया, मैं किसी के गाड़ी हाथ नहीं डाया, जब मैं इन्होंने बूहे के गाड़ी जाके बैठा हाँ भी मैं पैसे दो छ्या सर, मैं हूं तो छड़िया आ, हूं तो मैं छड़िया, तो मैं जो मर्जी करा कोठी भावें मैं बेचना भावें मैं रख ला, इन्हों का कोई ये हिस्सा नहीं। मैं भोले के गई हुई है, मेरे पेके तलवंडी भरत ने, मेरे माँ प्यो एक्सपायरी हो चुके हैं, अभी दो भैन भरा वा, मेरा भरा नशे का आदि हो चुका है, बहुत ज्यादा नशा पीता भी है, नशा बेचता भी है, थाने कितनी बारी कंप्लेन की, 181 तक कंप्लेन की, पर साड़ी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्हें अपने हिस्से की सारी जमीन बेच दिती, घर का सारा जाके देखो, घर का समान सारा बेच दिता है। प्रेस वाले आए ने मेरे नाल, फिर उन्होंने आके कोई कार्रवाई की है, नहीं तो उन्होंने चेर कोई कार्रवाई नहीं करते, बस फेरा मार के आ जाते, कहते भज गया कोई गल, पर नशा बंद होना चाहिए है, जे मेरा भरा सुधर गया तो मैं समझांगी कि नशा बंद हो गया, घर ना उच्चन नशा बंद कर दो। गुरदासपुर से सीवन न्यूज के लिए जतेंद्र कुंदल की रिपोर्ट। सीवन न्यूज दिया ज्यादा अपडेट के लिए तुसी साडा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर सकते हो।